प्रिय दर्शकों नमस्कार। इतिहास की एक मनोरम यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मुगलों की कहानी में तल्लीन होने वाले हैं। एक उल्लेखनीय राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भूमि में उनके आगमन के पीछे के कारण को उजागर करने के लिए हमसे इस वीडियो में आखिर तक बने रहे दोस्तों। बहुत साल पहले यानी कि 16वीं शताब्दी में भारत राज्यों का मोंजेक था, प्रत्येक की अपनी भव्यता और शक्ति संघर्ष था। यह एक ऐसा समय था जब साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ और विशाल उपमहाद्वीप पे परिवर्तन की हवा फुसफुसाई। वर्ष 1526 में बाबर नाम के मध्य एशिया के एक करिश्माई युवा योद्धा ने हिंदुस्तान की भूमि पर अपनी जगह स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि अपनी मातृभूमि से दूर वह एक ऐसी विरासत स्थापित करने के लिए तरस रहा था जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। महान विजेता तैमूर के वंशज और फरगाना के शासक बाबर का मानना था कि भाग्य ने उसे हिंदुस्तान का शासक बनने के लिए नियुक्त किया है। एक दुर्जेय सेना और एक अटूट संकल्प के साथ वो इस नई भूमि में अपने साम्राज्य को तराशने की कोशिश में क्षितिज की ओर बढ़ने लगा। 1526 में पानीपत की निर्णायक लड़ाई भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। बाबर ने इब्राहिम लोदी के नेतृत्व वाली दिल्ली सल्तनत की ताकतवर ताकतों का सामना किया। एक महाकाव्य संघर्ष में बाबर विजयी हुआ जिसने मुगल साम्राज्य बनने की नींव रखी। दोस्तों दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेकर बाबर ने भारत में पहले मुगल वंश की स्थापना की। हालांकि यह केवल सत्ता की लालसा नहीं थी जो मुगलों को इस नए क्षेत्र में ले आई। उन्होंने कुछ बड़ा चाहा, सांस्कृतिक विचारों और समृद्धि का समामेलन। बाबर के पोते अकबर महान इतिहास में सबसे दूरदर्शी और प्रबुद्ध शासकों में से एक था। उन्होंने एक सामंजस्यपूर्ण साम्राज्य बनाने की मांग की जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग सह अस्तित्व में रह सके, उनकी अनूठी प्रतिभाओं और विचारों का योगदान दे सके। अकबर का दरबार बुद्धिजीवियों, कवियों, विद्वानों और कलाकारों का एक अड्डा बन गया था। दोस्तों उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त किया और स्वीकृति और एकता के माहौल को बढ़ावा दिया। मुगल ने केवल शासन नहीं किया, उन्होंने एक वास्तुशिल्प विरासत छोड़ी जो आज भी दुनिया को विस्मित करती है। फतेहपुर सीकरी जैसा शानदार महल और
प्रतिष्ठित ताजमहल उनकी भव्यता और सुंदरता के प्रति, प्रेम के प्रति बन गया है दोस्तों। जैसे जैसे समय बीतता गया, लगातार मुगल बादशाहों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, शक्ति को मजबूत किया और दूर देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। मुगल साम्राज्य वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया, जिसने दुनिया भर के व्यापारियों और खोजकर्ताओं को आकर्षित करने का काम किया। अकबर के शानदार दरबारों से लेकर जहांगीर की शान और शाहजहां की कलात्मकता तक मुगलों ने भारत के ताने बाने पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल में समृद्ध और सांस्कृतिक प्रतिभा का एक स्वर्णिम युग सपने में सामने आया। काश सभी साम्राज्यों की तरह मुगल वंश को भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता जो अंततः उनके पतन का कारण बन जाए। हालांकि इसका योगदान और स्थायी विरासत भारतीय इतिहास के ताने बाने में बुनी गई है दोस्तों। आज जब हम आधुनिक भारत की सड़कों पर चलते हैं, तब भी हम वास्तुकला के चमत्कारों पर अचंबा कर सकते हैं। कलात्मक विरासत की सराहना कर सकते हैं और एकता और विविधता की भावना का सम्मान कर सकते हैं दोस्तों, जो मुगल इस भूमि पर लाए थे। और इसलिए प्रिय दर्शकों, जैसे कि हम इस मनोरम यात्रा का समापन करते हैं, तो आइए हम मुगलों को केवल विजेता के रूप में याद रखें, आइए हम कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक संलग्न के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार करें। मानव आत्मा की समृद्धि और लचीलापन का एक वसीयतनामा है ये। दोस्तों, भारत में मुगलों के आगमन की इस गहन खोज में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहे और हमारे साथ साझा इतिहास की आकर्षक कहानियों को उजागर करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल विजय जगताप अंडरस्कोर वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।